हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जेपी नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, कि सबने एक बार मुझ पर और भरोसा दिखाया और मुझे फिर से यहाँ से प्रत्याशी आजमगढ़ से बनाए हैं। और इसमें मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा आजमगढ़ की जनता को कि आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने जितने भी सर्वे हुए उसमें सबने यही कहा कि हमें फिर से दिनेश लाल यादव ही चाहिए। तो ये जो आजमगढ़ का मूड है ये बताता है कि अब उनको काम समझ में आ गया है कि जो पहले कोई नहीं कर पाया था वो एक साल में ही यहाँ कमल खिलने के बाद इतना सारा काम हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि देवतुल्य जनता ने जो मुझे एक मौका दिया है, तो पहले तो मुझे एक डेढ़ साल का ही मौका मिला था, लेकिन अब 5 साल का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। प्रधानमंत्री जी के आने का कार्यक्रम तय किया गया, कब तक कुछ नहीं है? हाँ, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 10 तारीख को है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी इस बात से बहुत खुश हैं कि आजमगढ़ की जनता ने यहाँ कमल खिलाया है। और जहाँ भी जाते हैं प्रधानमंत्री जी वहाँ आजमगढ़ की चर्चा भी करते हैं, वो बहुत खुश हैं इसलिए आजमगढ़ आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में भी कोई गाना आपका लॉन्च हुआ है? हाँ, चोर लुटेरे जितने थे सबकी बज गई घंटी है और देश बढ़ा है, देश बढ़ेगा, मोदी की गारंटी है, ये गाना बन के तैयार हो गया, बहुत जल्दी आपके बीच आएगा। और एक और गाना बहुत बढ़िया तैयार हो गया है, जब अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो एक और गाना मन में आया कि मोदी योगी इस कलयुग में रामलला के दूत हैं और भारत माता कहती है ये दोनों मेरे सपूत हैं। जय श्री राम। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।